सीखेंगे कब इंडिया? आपने एक्सेप्ट कर लिया, पहला मैच कोलैप्स हो गए, आप दूसरा मैच कोलैप्स हो गए, तीसरा भी हो गए, बट आपने सीखा क्या? आप कोलैप्स होने से बचे कहाँ? पहला मैच 46 हर कोई होता है, ठीक है, एक बार हो गया साल भर में, दुनिया भर में कोई बात नहीं, बट दूसरा और तीसरा मैच तो आप जीत सकते थे ना यार। दूसरा तीसरा मैच जीत के आप ये बता सकते थे ना कि यार वो सिर्फ एक तुक्का था। अब आपने दुनिया को ये बता दिया कि वो तुक्का नहीं था, वो आपकी कमजोरी थी। और इसी चीज़ का ऑस्ट्रेलिया जो है ना नोट बना के बैठेगी वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया पूरा नोट कर रही होगी कहाँ किसकी क्या कमजोरी है। रोहित शर्मा को तो पैट कमिंस ही फंसा लेंगे अपने जाल में, क्योंकि रोहित शर्मा को तो बाउंस नहीं खेलते बन रहा, पेस नहीं खेलते बन रहा। विराट कोहली अगर शुरू में पेस के खिलाफ टिक भी गए तो नेथन लायन आएंगे और निपटा देंगे, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया नोट बनाकर बैठी पूरी तरीके से कि भैया बस आए इंडिया, अब तो इंडिया को बस आने की देर है, फिर तो हम निपटा ही देंगे। मतलब तो वो चीज़ कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज़्यादा जो है परेशान करने वाली है, और इसका कैसे भारत सॉल्यूशन निकालेगा वो एक जो है सबसे बड़ी देखने वाली बात रहेगी। रोहित शर्मा की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो है वो चल रही है फिलहाल, और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की मैंने आपको सारे पॉइंट्स अभी तक बता दिए हैं कि भैया क्या क्या रोहित शर्मा ने कहा है, है ना, क्या क्या रोहित शर्मा कह रहे हैं। रोहित शर्मा ने सारी गलतियां एक्सेप्ट की हैं। रोहित शर्मा ने ये बताया है कि भाई मैं एज अ कैप्टन और एज अ बल्लेबाज भी फेल हो गया हूँ। मतलब ये नहीं कहा उन्होंने कि यार ठीक है पूरी टीम की जिम्मेदारी और मेरे पे कुछ नहीं है, बट हाँ ये कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने एक्सेप्ट किए कि ये बहुत अच्छी बात है कि ठीक है पूरी टीम की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, बट यार सिर्फ जिम्मेदारी लेने से नहीं होगा ना, आपको आपको बताना पड़ेगा टीम को कि यार मैं भी जब खेल सकता हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं खेल सकते। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला जो है ना इस बार रोहित शर्मा का नहीं दिखा इस पूरी सीरीज़ में, और वही चीज़ उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में डिस्कस भी की, बताया भी कि यार मैं अपने करियर के लो पॉइंट पे हूँ, ये एज अ कैप्टन और एज अ बल्लेबाज मैं दोनों तरीकों से फेल हो गया हूँ, सिर्फ एक उसमें नहीं मैं दोनों तरीकों से फेल हो गया हूँ। और वो चीज़ जो है दिखाती यार कि कप्तान भी कितना, मतलब कह सकते हैं कि यार कितना मायूस है। कप्तान भी बड़ा मायूस है, और बहुत टाइम बाद देखा रोहित शर्मा ने इस तरह से एक्सेप्ट किया हो कि मैं एज अ कैप्टन और एज अ बल्लेबाज दोनों तरीके से फेल हो गया। तो ये रोहित शर्मा का ये बयान देना मतलब अपने आप में दर्शाता है कि ये सीरीज ने कितना भारत को निचोड़ दिया, मतलब इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है कि भैया अब ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं पूरी दुनिया खत्म हो गई है। और सच में यार मतलब BGT में अगर आपको 4-0, 4-1 करना है, मतलब 4-0 करना है, तो आपको कितना कुछ जो है करना पड़ेगा। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते लॉस, आप बिल्कुल लॉस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्या क्या किस बहाने से आप करोगे बताओ? और सारे मैच जीतना यार ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को मजाक थोड़ा है। इंडिया में अगर ऑस्ट्रेलिया हारी होती ना तो हम कहते कि ठीक है हम ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हराएंगे कोई बात नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया में जाके आप ऑस्ट्रेलिया को हराने की बोल रहे हो वो भी 5-0 या 4-0, तो भाई उसके लिए आपको मतलब दम भी तो होना चाहिए ना यार वैसा। क्या कहें आप, मैं लगातार उनकी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे ही जो है नजर बनाए रखे हूं, और वही चीज़ कहीं ना कहीं मैं बार बार उनका जो बयान है वो पढ़ रहा हूँ, और वो चीज़ मुझे बार बार जो है वो कचोट रही कि यार रोहित शर्मा के ये दिन आ गए यार कि उनको बोलना पड़ रहा है कि भाई मैं एज अ कैप्टन और एज अ बैटर मैं इस पूरी सीरीज़ में